तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग। माय शॉर्ट सुपर पावर्ड गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 27 के साथ आ चुका हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाया जाता है, जहाँ हर तरफ सिर्फ रेत ही होती है और तीनों के तीनों जो मेंबर्स हैं वो वहाँ पर चल रहे हैं कहीं पर, और उनकी जो रेटिंग प्रोसेस है वो मीटर में क्लिंक क्लिंक करके आवाज आती है। दिन देखता है कि उन्होंने जो टीम ए है उन्होंने 10% कर लिया है, और उनको पता लगता है कि हमारी जो दूसरी टीम थी उन्होंने अपना 10% कर लिया है और काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, उन्होंने 5% हमसे ज्यादा किया है। तभी जो जोहान जी होता है वो कहता है जरा अपने सामने देखो, हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और शसमुद्दीन उनसे कहने लगता है अब इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि हमें हमारी प्रोसेस भी तेज करनी होगी। तो हमारा सीन शिफ्ट तो होता है वही आईएस पॉइंट 1 पर तरफ, और जहाँ पर एडवर्ड उससे खेल रहा है भाई बर्फ के गोले से, और वो लगता है अब ये क्या चीज है। और तभी हमें दिखाया था बर्फ के गोले नहीं, एक छोटा सा मॉन्स्टर होता है, कितना क्यूट लग रहा है ना। और तभी जो चुंध्यान उसके पास आती है और उससे कहने लगती है मैं गैस करती हूँ कि मुझे तो इसे देखकर ऐसा लगता है ये स्नोमैन है, और बच्चा है पता अभी स्नो ही माउंटेन का स्नोमैन, और स्नोमैन वहाँ पर खिलखिलाकर हंसने लगता है। और तभी चुंध्यान उससे पूछने लगती है तुम्हारे मॉम और डैड कहाँ पर हैं, लेकिन वो तो कंफ्यूज होता है और वो सीधे जाकर चुंध्यान से चिपक जाता है। और भाई ये FBI बॉर्डिंग दे रहे हैं कि जो सिचुएशन जिसमें पड़ी हुई है चुंध्यान इस तरह बहुत कुछ दिख सकता है, तो उसे पहले ही हटा दिया है। तो याद रखना मैं कुछ नहीं कर सकता और ना मैं दिखाने वाला था अगर ऐसा होता भी तो। और वो सीधे जाकर उसके बॉर्डर में उस पर टपक जाता है। और भाई ठरकता देखो लंडे की स्नोमैन होते हुए भी साला अब इसे छोटे होकर ही ट्रक दिखाने लगा अपनी, और दोनों के दोनों ये देखकर जल लगते हैं एडवर्ड और ज़ियाओबिन। और मन में सोचते बोलते हैं ये जो स्नोमैन बंदा है वो सच में चुंध्यान का एडवांटेज फायदा उठा रहा है, साफ साफ देखकर लग रहा है। तभी एडवर्ड उससे कह देता है मैंने अभी अभी बहुत ज्यादा बड़ी चीज को महसूस किया था जो हमारे पास आ रही है, आखिरकार अचानक से इतनी ज्यादा छोटी चीज कैसे बन गई। तभी जो ज़ियाओबिन होता है वो कहने लगता है तुम्हारी जो फीलिंग है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमारे आसपास कोई ना कोई तो बड़ी चीज होगी ही होगी, तो अपना जो गार्ड है उसे डाउन मत होने देना और थोड़ी सावधानी बरतो। और जो चुंध्यान होती है स्नोमैन को खिलाने लगती है और उससे बोलती है कि तुम सच में कोई स्नोमैन हो, तुम तो वहाँ कहीं बहुत ज्यादा क्यूट हो रहे। तभी अचानक से उस गुफा के अंदर से एक जोरदार दहाड़ने की आवाज आती है और ज़ियाओबिन कहता है लो आ गई मुसीबत। और तभी हमें दिखाया जाता है बड़े वाले स्नोमैन का पैर, लगता ही भाई गुफा कांपने लगती है, इसे देखकर एडवर्ड की तो पसीने छूट जाते हैं और तीनों के तीनों ये देखकर सरप्राइज होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो स्नोमैन होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उन तीनों को घूर रहा है, और ज़ियाओबिन को गया घंटा फर्क पड़ रहा है शांति से खड़ा चल मार के। और तभी वो स्नोमैन उस पर घुरना चालू कर देता है। और अब तभी हमें दिखाया जाता है जो एडवर्ड है ये देखकर उसकी फटकर चौंसट हो जाती है और बहुत तरह डर जाता है और डर कर बोले लगता है अबे तेरी अब ये क्या मजाक है। और जो चुंध्यान है उसने छोटे वाले स्नोमैन को अभी भी अपने गोद में पकड़े हुआ है जो कि उसका फुल फायदा उठा रहा है, मजे मतलब वाटरमेलन गुब्बारे है ना उनके फुल पूरे पूरे मजे ले रहा है लौंडा, टरकपन की भी हद होती है यार। और तभी ज़ियाओबिन उन दोनों से कहने लगता है मुझे देखकर सिचुएशन को ऐसा लगता है जो छोटा वाला स्नोमैन है वो जो और जो बड़ा वाला स्नोमैन है वो उसके या तो पप्पा है या अम्मा है, जो कि चुंध्यान के आंख सब जो चुंध्यान अपने हाथों में पकड़ी हुई है। तभी ये देखकर एडवर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे वो लगता है हे तुम आखिर क्या कह रहे हो, जरा इसके साइज देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है भाई, वो कितना बड़ा है ये कितना छोटा है। और चुंध्यान भी थोड़ा सोचने लगती है उसकी तरफ देखते हुए। और तभी भाई यहाँ पर शुरू होती है छोटे वाले से स्नोमैन की कारस्थानी, और अपने नाखून निकाल लेता है और सीधे जाकर उसके कपड़े फाड़ देता है। अब निकली ना ठड़कपन की नेक्स्ट लेवल, अब पता चला भाई छोटे वाले स्नोमैन की जो ठड़क लेवल है वो नेक्स्ट लेवल की है, इसने तो क्रॉस कर दी लाइन। और उसके बीच में से कपड़े फाड़ देता है जिसको देखकर चुंध्यान भी बहुत सरप्राइज होती है और सीधे जाकर बड़े वाले स्नोमैन के पास चला जाता है छोटा वाला ठरकी, और उसका कपड़ा फाड़ कर भाई मजे मार रहा है साला लौंडा, देखो तो साला ठरक के हद होती है यार ठरकपन की, कितनी कपड़े फाड़ कर साला मजे मार रहा है, देखो तो सही किस तरीके से उल्लाने में लगा हुआ है और खूब मजे मार रहा भाई, छोटे में छोटा है उतना ही खोटा है। और तभी जो चुंध्यान होती है वो जिस जगह पर कपड़े फटे हुए थे उससे अपने हाथ से ढक लेती है। तभी एडवर्ड उसके पास आता है और उससे कहने लगता है तुम कमीने कहीं के तुम छोटे ठरकी, आज मैं तुम्हें मार दूंगा जान से मार दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे है चुंध्यान के साथ ऐसे करने की, तू एक नंबर का ठरकी है कमीन, आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बातें सुनने के बाद जो बड़ा वाला स्नोमैन होता है उसकी सनक जाती है और भाई जोर जोर से सांसें लेने लगता है और घुर्राने लगता है। और तभी जो एडवर्ड होता है उसे चिल्लाते हुए कह लगता है जरा अपनी आंखों से देखो तुम्हें पता है ना तेरा जो छोटा वाला स्नोमैन है वो अभी भी क्या करके गया था, उसकी जो तो ठरक की लेवल है वो नेक्स्ट लेवल की है। और तभी हमें ज़ियाओबिन को दिखाया जाता है जो कि पीछे से आ रहा है धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा है, और उससे कहने लगता है अच्छा तो तुम हो वो न्यू क्लू, ज़ियाओबिन कहता है। और इसी नए क्लू के साथ हमारा जो सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पर ज़ियाओबिन को एक नया क्लू मिल चुका है।
और भाई इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे पता है कि ये एपिसोड थोड़ा छोटा है, तो कोई बात नहीं, दो तीन एपिसोड इकट्ठे डाल लेते हैं। क्या घंटा वर्क पड़ रहा है, छोटा है बड़ा है, कैसे आप लोग समझ जाए। छोटा उसका मतलब नहीं है आज मैं कम से कम दो एपिसोड डालो तो 10 मिनट की बात तो एक ही है ना, तो कोई बात नहीं। उसमें चैप्टर में 3 मिनट तक बना तो कुछ कर नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ही, बाय।